यूपी चुनाव में ईवीएम चोरी का मिल गया सबूत। इसमें जहां की ईवीएम न बदली गई, चुनाव अधिकारियों की ऑडियो हुई वायरल। आपका ईवीएम सब बदल लिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ के आरोपों के बीच एक वायरल ऑडियो ने यूपी की सियासत में हल्ला मचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपी चुनाव में ईवीएम बदलने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो में दो अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए। वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। सुनिए इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है। इसमें जहां की ईवीएम न बदली गई, यही हुआ था बिहार में, तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पर मतलब कासिमाबाद था हमारा, कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल लिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने अच्छा तब क्या बोले उसे? पहले यसो बोला। हाँ, पहले यसो हड़ताना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, तो देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली यार, थोड़ा सा बाल बच्चा है, पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे नहीं। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले पूरे प्रदेश में गलत, हम सपोर्टर ना आई भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है, आएगी ही नहीं। मैं मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता तो वहां से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होके जाता है ना पूरा, हम इन लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी बात स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम। अखिलेश यादव ने इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से पूरे मामले का संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। चुनाव आयोग ने इस वायरल ऑडियो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। द न्यूज वीक वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के सामने आने से यूपी में मतदाताओं के साथ साथ हारने वाले नेताओं के मन में भी शंका पैदा हो गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।